दोस्तों, अगर आपके बाल गिर रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुक गई है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है और आपकी बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में मदद करती है। दोस्तों, हम सभी के लिए बालों की सेहत बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है दोस्तों, क्योंकि अच्छे बाल सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाती है बल्कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने का काम करता है। दोस्तों, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में और पॉल्यूशन के कारण से बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और स्लो ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ रही है, जिससे निपटने के लिए अक्सर हम लोग सबसे पहले तरह तरह के घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और जब उनसे फायदा नहीं मिलता है, बात नहीं बनती है, तो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स भी ले लेते हैं, महंगे महंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं जिनका अक्सर हमें कोई फायदा नहीं मिलता है दोस्तों, और आपके पैसे, आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोस्तों। ऐसे में ये नेचुरल रेमेडीज जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ये आपके लिए एक इकोनॉमिकल, सेफ और इफेक्टिव अल्टरनेटिव बनकर सामने आती है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो अगर आप भी अपनी बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि सस्ता हो, इफेक्टिव हो और घर पर ही आपको उपलब्ध हो जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अभी रेमेडीज के बारे में पूरी विस्तार के साथ। तो सबसे पहली होम रेमेडी है दोस्तों, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों और बहुत ही सिंपल सी चीज भी है। इलोरिक एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड से रिच होता है जो कि आपकी बालों को डीपली नरेश करता है। इनफैक्ट साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है कि कोकोनट ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। स्टडीज ने दिखाया है कि कोकोनट ऑयल एयर शाफ्ट के अंदर बहुत इजिली पेनिट्रेट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है और वहां पर प्रोटीन लॉस को कम करता है दोस्तों। कोकोनट ऑयल को आपको हमेशा जब भी यूज करना चाहिए तो हल्का सा गर्म करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गैस क्या मिल जाता आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत हो। वैसे अगर आप चाहें तो एक पर्सनल टिप भी मैं आपको दे सकता हूँ और वो ये है कि आप जब भी कोकोनट ऑयल को यूज करें तो इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल या फिर लेमेंडर ऑयल मिलाकर यूज करें। ऐसा करने से कोकोनट ऑयल और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और आपको फायदा ज्यादा मिलता है। कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करके आपको या तो ऐसा ही लगा लेना चाहिए या फिर इसमें नीम ऑयल या फिर लेमन ऑयल मिला के अपनी बालों की जड़ों में लगाकर हल्की हाथ से मालिश करनी चाहिए और उसके बाद कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे बेहतर है कि आप इसको रात को सोते समय लगाकर सो जाए और सुबह सुबह इसको वॉश कर ले, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आप इसको नहाने से आधे घंटे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बालों में जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी, बालों की डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी और बालों में एक खूबसूरत सी चमक भी आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज है दोस्तों, रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है दोस्तों। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी। इट्स प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड मैन एंड वुमेन बोथ। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्कैल्प को स्मूथ करती है और ब्लड सर्कुलेशन को वहां पर बढ़ाकर आपकी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है दोस्तों। रोजमेरी ऑयल हेयर लॉस को रोकती है और हेयर ग्रोथ के प्रमोट करने के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि एक रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि जो रोजमेरी ऑयल है इसका यूज मिनोक्सिडिल के बराबर ही इफेक्टिव होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है कि मिनोक्सिडिल क्या है तो आपको बताता चलूं कि मिनोक्सिडिल एक एलोपैथिक दवाई है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन ये सभी लोगों को सूट नहीं करती है और इसकी कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि इचिंग एंड ड्राइनेस वगैरह। ऐसे में रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ को एनहांस करने के लिए एक नेचुरल और सेफ अल्टरनेटिव है जो कि आप यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसे आप अपने बालों की जड़ों के अंदर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए।
रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो आप रोज मेरे ऑयल से बना हुआ कोई सप्लीमेंट्स को भी, कोई अच्छा प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो लोटस ऑर्गेनिक्स एक्टिव कॉन्सेंट्रेट सीरम, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रोज मेरे ऑयल से बनाया जाता है, जिससे और आपकी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। लोटस ऑर्गेनिक्स एक्टिव कंसेंट्रेट सीरम 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एक्टिव से बनाई जाती है, जो आपको लंबे और घने बाल पाने में हेल्प करता है और आपकी स्कैल्प को भी स्वस्थ बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है वो रेमेडीज जो कि आपकी बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, आपकी बालों में ग्रोथ को प्रमोट करती है और डेंसिटी को इम्प्रूव करती है दोस्तों। ये रेमेडीज साइंटिफिकली प्रूवन है और इसीलिए अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो आई एम 101% श्योर कि आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसको अपना असर दिखाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इनको यूज कीजिए और देखिए कि इनसे आपको कितना ज्यादा फायदा मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके स्वस्थ हमेशा। थैंक यू।